Find the slope of the line which makes an angle of 30 degree with the positive direction of y axis measured anticlockwise. So let's see how we are going to solve this problem. So ek bar dekhte hain ki hum log ye question kaise solve karenge. To sabse pehle main aapko question ke part ko explain kar deta hu. He was saying ki aapke paas ek line hai. To chaliye pehle ek line ka construction kar lete hain. Ye aapke paas ek line hai aur ye line पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से एंगल इंक्लाइंड कर रही है 30 डिग्री. तो आप देख सकते हैं कि ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये लाइन यहाँ पे दो एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है. एक एंगल ये है और एक एंगल आपका ये है. क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि जब ये लाइन का मेजरमेंट एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में किया जाए, मतलब एक्चुअली ही वॉज वर्किंग फॉर दिस एंगल. In the question, it is provided that this angle is equal to 30 degree. अगर ये angle आपका 30 degree है और आपको given line का अगर आपको slope required है, तो आपका target होगा ये angle पता करना. ये angle अगर आप निकाल लेते हैं और let this angle is your alpha, then slope of the given line is equal to tangent of alpha. तो हमारा पूरा focus अब इस बात पे रहेगा कि alpha हम लोग कैसे calculate कर सकते हैं. अब आप ध्यान दीजिए हम लोग कर क्या रहे हैं. लेट ओरिजिन को मैंने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया है. ओरिजिन को हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये पॉइंट मेरे पास ए है और ये पॉइंट मेरे पास बी है. सबसे पहले बात करते हैं एंगल ओ बी ए की. एंगल ओ बी ए की बात करते हैं तो ओ बी ए को हम लोग लिख सकते हैं 30 डिग्री. उसका रीजन है बिकॉज एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू दिस एंगल बिकॉज दिस इज वर्टिकल अपोजिट एंगल. अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो फिर ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री के इक्वली होगा. ठीक है. दूसरा, अगर एंगल बी ओ ए की बात की जाए, एंगल बी ओ ए की बात की जाए तो ये एंगल आपके पास है 90 डिग्री बिकॉज ये कार्टेशियन सिस्टम पे बना हुआ एंगल है. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बिटवीन का एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है. और अब आप यहाँ पे मेजर कर सकते हैं एंगल बी ए ओ को. एंगल बी ए ओ को ये हमें मेजर कर रहे हैं. और एक बार अगर हम BAO को निकाल पाए तो अल्फा को क्लेम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा. नाउ यू कैन चेक इट. एंगल OBA प्लस एंगल BOA प्लस एंगल BAO एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब OBA की बात करें तो ये आपका एंगल 30 डिग्री है. एंगल BOA की बात करें ये एंगल आपका 90 डिग्री है. और एंगल बी ए ओ आपको मेजर कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन जब आप कर लेंगे तो यू विल गेट एंगल बी ए ओ एंड दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. पर वी डोंट नीड बी ए ओ. हमें बी ए ओ नहीं रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है एल्फा. तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्फा हमारे पास होगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री. आप इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो एल्फा हमारे पास आ चुका है That is equal to 120 degree के. और जैसा मैंने अभी आपको कहा था कि अगर हमें ये एंगल पता लग जाता है, ये वाला एंगल पता लग जाता है, तो इस एंगल के टेंजेंट की वैल्यू इज द स्लोप ऑफ ए गिवन लाइन. तो स्लोप हमारे पास हो जाता है m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 120 डिग्री और यू कैन राइट इट दिस इज इक्वल टू माइनस रूट 3 एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम.